होता है ECR, एक होता है नॉन ECR। तो ECR जो पासवर्ड होता है वो कैसे पता लगाया जाए, देखिए आप लोगों को सबसे पहले जो बैक साइड में जो दिखाता है कि उसमें लिखा हुआ रहता है ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पासवर्ड जो ECR पासवर्ड है। और दूसरा जो पासवर्ड होता है जो नॉन ECR होता है उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, वो ECNR पासवर्ड है, इसके पीछे में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद इरशाद। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन पासपोर्ट के बारे में। इंडियन में जो पासपोर्ट जो बन जाता है, कभी ECR बन जाता है, कभी नॉन ECR बन जाता है, तो इसकी वजह क्या है जो ECR जो पासपोर्ट बन जाता है। ECR जो पासपोर्ट उन लोगों का बन जाता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनका नॉन ECR पासपोर्ट बन जाता है। तो ECR जो पासपोर्ट जिन लोगों का बन जाता है तो उन लोगों को नॉन ECR कैसे कराया जाए, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, ये वीडियो को जो लोग मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को मैं लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए आज मैं बात करता हूँ ECR पासपोर्ट के बारे में। ECR जो पासपोर्ट है आप लोग 70 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं, जो मैं आप लोग को इस लिस्ट में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो नाम आता है अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लिबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड यमन। ये जो 70 कंट्री है इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं जिनके पास ECR पासपोर्ट है। वो अगर आप लोग को ये 17 कंट्री में किसी भी कंट्री में आप लोग को जॉब करना है तो आप लोग जा सकते हैं अगर आप लोग के पास ECR पासपोर्ट है। मैं मिनिमम आप लोग को ये कंट्री में 3 साल तक काम करना होगा। ECR आप लोगों के पास पासपोर्ट है तो आप लोग सिर्फ मेडिकल के लिए कोई भी कंट्री में आप लोग जा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ये 70 कंट्री जो मैं आप लोग को बताया है, ये 70 कंट्री में आप लोग को अगर जॉब के लिए जाना है किसी भी एक कंट्री में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इमिग्रेशन को क्लियर करने होगा। जो आप लोग का पासपोर्ट में बैक साइड में लिखा हुआ रहता है आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत लोग को नहीं मालूम रहता कि मेरा पासपोर्ट ECR है या नॉन ECR है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि पासपोर्ट का बैक साइड में लिखा हुआ रहता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब होता है ये पासपोर्ट ECR है। तो आपको ये 17 कंट्री जो आप लोग को किसी एक कंट्री में जाना रहेगा, सपोज करिए आप लोग को सऊदी अरेबिया जाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इमिग्रेशन को क्लियरेंस करने पड़ेगा, तब आप वो कंट्री में काम करने के लिए जा सकते हैं। विजिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, विजिट के लिए आप टिकट बनाए आप ट्रैवल कर सकते हैं, मगर अगर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो जॉब के लिए आपको सबसे पहले POE के ऑफिस में जाना पड़ेगा। जाकर वहां पर एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद तभी वो कंट्री का परमिशन आपको मिले, तब आप जा सकते हैं जॉब के लिए। ये तो था दोस्त सिंपल सा तरीका जो मैं आप लोग को बताया, जो ECR जो पासपोर्ट है कैसे आप लोग नॉन ECR कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 3 साल उस कंट्री में काम करने पड़ेगा। अगर आपको कंपनी से 1 साल में छुट्टी मिलता है तो आप इंडिया में आइए, 1 महीने के रुकिए, फिर आप लोग जाइए, फिर इसी तरह से 3 साल तक करने के बाद फिर आप जब रिटर्न जब इंडिया आइएगा 3 साल के बाद, तो फिर आपको ECR से नॉन ECR कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय।